नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप द लल्लन टॉप देख रहे हैं। T20 सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया आसमान की ऊंचाइयों पर थी, लेकिन वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने इंडिया को वापस जमीन पर उतार दिया है। सीरीज के पहले दोनों मैच हारकर टीम इंडिया वनडे सीरीज गंवा चुकी है। न्यूजीलैंड टूर पर गई इंडियन टीम की लगातार तारीफ कर रहे पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर के सुर बदल गए हैं। उन्होंने इंडिया की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए हैं। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक अख्तर ने कहा कि औसत खेल दिखाकर आप न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराने की सोच भी नहीं सकते। शोएब अख्तर ने कहा, ये इंडिया के लिए बहुत निराशाजनक है। दुख इस चीज़ का है कि उन्होंने क्रिकेट अच्छा नहीं खेला। 5 T20 जीतने के बाद ऐसी हार मेरी समझ से बाहर है। ये हार इंडिया के लिए ज़रूरी थी। शोएब ने कीवी टीम को वनडे सीरीज जीतने के लिए बधाई दी। उन्होंने रॉस टेलर की बैटिंग के बारे में कहा, ये टेलर मेड इन इनिंग थी। जेमिसन के साथ मिलकर साझेदारी बनाई और यही साझेदारी इंडिया के लिए भारी पड़ गई। चहल ने एक दो बार फंसाया भी, लेकिन किसी दूसरे इंडियन गेंदबाज के पास टेलर का जवाब नहीं था। इंडिया की हार की वजह क्या रही, इस पर शोएब अख्तर ने कहा, इंडिया औसत टीम की तरह खेली। मुझे खुशी है कि इंडिया को ये सबक मिला। ये सबक जरूरी था, क्योंकि इतनी बुरी क्रिकेट खेल के आप कभी भी वनडे नहीं जीत सकते। इंडियन टीम में स्ट्राइक बॉलर मिसिंग है जो आपको बीच में आउट करके दे। इंडिया की टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपको समय पर विकेट निकाल कर दे सके, और इसकी भारी कीमत टीम को चुकानी पड़ रही है। दोनों टीमों की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर उन्होंने कहा, हिंदुस्तानी टीम बहुत ही औसत खेली, लेकिन T20 में 0-5 से हारने के बाद मजबूती से वापसी करने वाली कीवी टीम को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। 0-5 की हार किसी भी टीम के मनोबल को गिरा सकती है, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी की है। यही इंडिया को भी सीखना चाहिए था। उन्हें अपना दम दिखाने की जरूरत थी। वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमजोरी साफ उभर कर सामने आई है। अंतिम ओवरों में इंडियन बॉलिंग हाथ पसार दे रही है। फील्डिंग औसत दर्जे की है। T20 सीरीज में अच्छा खेलने वाले मनीष पांडे और मोहम्मद शमी बेंच पर बैठे दिखते हैं। अगर टीम इंडिया अपनी गलतियों से सबक नहीं लेती है तो क्लीन स्वीप से हार निश्चित है। इस खबर को आप तक लेके आए थे अभिषेक। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल, और आसान भाषा में पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही Google Play Store पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।